इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अर चैनल। सो गाइज, काफी दिनों बाद अब हो रहा हमारा राइड का प्लान। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारी राइड है। इस मंथ में राइड हो नहीं पाई क्योंकि आपको पता ही है कि फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, किसान अपने हित के लिए लड़ रहे हैं। इस राइड के लिए भी एक स्पेशल चीज मैंने मंगा लिया, अभी दिखाता हूँ। तो रस्ते में मैगी बनाओ, चाय बनाओ, कॉफी बनाओ, कुछ भी बनाओ, अब कहीं ढाबे वगैरह पे चाय के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। खुद बनाएंगे, खुद पियेंगे, ये भी एक अलग ही तरह का एडवेंचर हो जाएगा अब की बार। और बाकी बार सोच रहे भाई कैंपिंग भी करें, कैंपिंग में भी वो चीज यूज होगी। तो चलो मैं दिखाता हूँ सबसे पहले आपको। दो दिन पहले आ गया था भाई ये, अभी दिखाता हूँ खोल के। ये है पोर्टेबल कार्ड टाइप स्टोव, इसको खोल के दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर। सबसे पहले ये इसकी मैनुअल सी आती है और इसके अंदर है हमारा स्टोव। बहुत ही छोटा सा है ये, बहुत ही छोटा सा है। ये नीचे इसकी टांगे हैं, यहाँ पे सिलेंडर लगता है ये। और अभी चला के दिखाता हूँ एक बार। कुछ इस तरह से हो जाता है भैया खुलने के बाद। पहले छोटा सा था, अब थोड़ा सा फैल गया। इसके ऊपर सही से फ्राई पैन वगैरह या छोटे से चायदान वगैरह सही से आ जाते हैं। और ये गैस डिस्पोजल कैन ऑनलाइन तो 150 के करीब आ रही थी, बाहर से मिल गई है 100 रुपये की, वर्लपूल की है। अभी इसको लगा के दिखाता हूँ एक बार। एक यहाँ पे कट लगा हुआ है और यहाँ पे, और यहाँ से पहले नीचे से डालना है ताकि ऐसे लॉक हो जाए। पहले अच्छे से देख लो भाई, ऑफ होनी चाहिए यहाँ से। और फिर यहाँ पे आराम से इसको सिलेंडर को रखो और इसके अंदर डाल के थोड़ा सा घुमा दो, ये लॉक हो गया अच्छे से। और अभी ये यहाँ पे रख दिया से, बिल्कुल सही से रखा गया है। इसके लाइटर लगा हुआ है और यहाँ से ऑन करेंगे आराम से। हो गया ऑन, हो गया यहाँ से ऑन। यहाँ से तेज भी हो जाता है और ये कम भी हो जाता है। अभी इसको बंद कर देते हैं और इसके ऊपर कुछ बना के देखते हैं, दोबारा ऑन करके देखते हैं। अब इसको हल्की सी थोड़ी सी कम कर लेते हैं और इसको। एक कप दूध है ये कॉफ़ी बनाने के लिए। कभी राइड पे जाएंगे बीच में मैगी वगैरह चाय खुद बना सकते हैं, इससे हम बर्तन अपने लेके जाएंगे। और बाकी कैंपिंग वगैरह भी जब करेंगे तो खुद ही बनाएंगे इस पर, जो भी कुछ बनाएंगे खाने के लिए। अब देखते हैं कितनी देर में ये दूध उठता है इसका गर्म। 2 मिनट है भाई, दूध उबलना स्टार्ट हो गया इसका। फ्लेम मीडियम ही कर रखी है और दूध सही उबल गया इसका 2 मिनट में। इस वाले छोटे से पतीले में मतलब चायदान में कम से कम 4 कप चाय आराम से बन जाती है इसमें। दूध अच्छे से उबल गया इसका, दूध उबल गया, इसको उतार लेते हैं और इसको बंद कर देते हैं। हमारी कॉफी हो चुकी है रेडी, अब मिलते हैं कॉफी पीने के बाद। तो भाई ये था स्टोव, ये भाई 750 का मेरे को पड़ा है। और जो ये गैस की कैन, ये ऑनलाइन तो 150 की आती है और मार्केट में 100 रुपये की मिल गई मेरे को। तो भाई 50 रुपये का फायदा होगा, अगर दो लेंगा तो 100 रुपये का फायदा है। क्योंकि भाई अगर एक राइड पे हम जा रहे हैं तो कम से कम 2 कैन तो लेके जाने जरूरी है, क्योंकि एक खत्म होती है तो एक यूज़ कर सकते हैं। वैसे 1.5 घंटा कंटिन्यू चलती है एक कैन, और बाकी जैसे यूज़ करेंगे जब भी पता लगेगा। बाकी मैं दिखा देता हूँ कौन कौन से राइडिंग गियर्स मेरे पास, थोड़े हैं ज़्यादा नहीं है क्योंकि भाई विंटर राइड है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना। मेरे ख्याल से एक साइड 500 से 600 किलोमीटर में पड़ेंगे, आने जाने का 1200-1300 किलोमीटर हो जाएगा। चलो भाई दिखाता हूँ कौन कौन से राइडिंग गियर्स मेरे पास। एल्बो गार्ड, ये राइडिंग पैंट, एक पावर बैंक 10,000 mAh का, एक ये कैप है, बहुत मोटी कैप है ये। 4 साल पहले जब मनाली गया था जब ये ली थी। ये फुल फेस कवर है, नेक तक कवर कर देता है, डस्ट वगैरह नहीं आता फिर। और बाकी ये चार्जर हो गया, 4 पेयर ग्लव्स हो गए हैं, एक तो ये है, ये थोड़े से लाइट हैं, ये हैवी हैं। और ये प्लास्टिक की लेयर सी चढ़ी हुई इन पे, ये डाल के कोई से भी ग्लव्स डाल लेंगे तो हवा क्रॉस नहीं होगी। और बाकी धूप वगैरह निकलने के बाद अपने नॉर्मल
प्रोवाइडर के ये यूज़ होंगे। और ये है रेन कवर, ये एक लेदर जैकेट होगी। विंड सीटर ग्रीन कलर का है, एक ये ब्लू, ये अभी तक राइड पे यूज़ किया मैंने। एक ये स्वेटर है, और ये शूज़ मंगाए मैंने नए, जो राइडिंग बूट आते हैं वो काफ़ी महंगे आते हैं। और ये सेफ्टी शूज़ हैं, ये 700 के करीब के आए हैं, बढ़िया। यहाँ पे मेटल टॉय है, और बाकी एंकल कवर पूरी हो जाती है। तो भाई ये सामान है, ये खाली सामान वो है जो मतलब राइड के टाइम पे यूज़ होता है, जैकेट वैकेट, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो जाएगी और ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि ठंड जहाँ पे हम जा रहे हैं कम से कम रात को या दिन में 6-7 टेम्परेचर रहता है वहाँ पे। ये सामान अलग हो गया, और जो खुद का डालने के लिए जैसे पैंट शर्ट जैकेट वगैरह वो अलग होगी, काफ़ी सामान हो जाएगा इस बार। इतना भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वाली वीडियो को शेयर कर दो। अगर किसी ने भाई साथ में चलना है राइड पे, इंस्टाग्राम में मैसेज कर लो, जैसी भी अपडेट होगी मैं बता दूंगा। और बाकी भाई इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।